बोलना था लोगों तक। एक मिनट, मैंने आज कांग्रेस पार्टी असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज एमएलए, और सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास बिल को सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मजबूरी। सर क्या बीजेपी में शामिल होंगे आप? बीजेपी से राज्यसभा जाएंगे ऐसी जानकारी मिली? मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। तो मेरे सामने अभी दो दिन बाकी है, दो दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। अमित शाह के आ रहे उसमें आप पक्ष प्रवेश करेंगे बीजेपी? हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूँ। जब तक था पार्टी का ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हाजिर था और मैं कल शाम से सर राहुल जी से बात हुई है क्या रिजिग्नेशन से पहले? राहुल जी से बात हुई सर रिजिग्नेशन के पहले? जी जी मैंने कोई भी विधायक से बात नहीं की। लेट मी बी वेरी क्लियर, आई हैव नॉट टॉक्ड टू सिंगल एमएलए ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरा ये अरे मनोज वायर, मनोज वायर नहीं, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर वायर मनोज, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उनको सर अमित शाह जी से आपकी कोई बात हुई है? मनोज मनोज वायर और तू छोड़ देते मैंने ऐसी कोई भी मेरी मांग कहीं भी रखी नहीं है। कोई भी पार्टी के साथ मैंने ऐसे कोई डिस्कशन नहीं किया है और मैंने अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से लोटस अद्याप ही कुठल्या पर्याय विषयी चर्चा मनोज तू मनोज असं तुझे मला वाटतं की आजच मला राजेंद्र सर अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि आप ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन करेंगे ऐसी खबरें आ रही हैं। 15 तारीख को आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या कहेंगे सर? हलवत खाली गेले चव्हाण साहेब, एवढं मोठं पाऊल तुम्ही उचललं, हायकमांडशी बोलणं झालं होतं का मागच्या काही दिवसांमध्ये? सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आई विल कैटेगरी डिनाय ऑल सच सॉर्ट ऑफ एलिगेशंस। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी, नॉट इन नेचर टू कंप्लेन अबाउट एनी पर्सन। मैंने मेरा खुद का इंडिविजुअल फैसला है, मैंने किसी एमएलए से बात नहीं की। सर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में जो देरी हो उसके लेकर भी नाराज सर नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया आलेली आहे सर, काँग्रेसचे आमदार सुद्धा नाराज झाले होते तेव्हाच मी असं वक्तव्य केलं होतं की अरे माझे संबंध चांगले असल्यामुळे मला निधी दिलेला आहे, मात्र राजीनामा दिलेला आहे। मी बुबुआ सर भाजप सहित लो बॅटरी दिखा विकासात्मक कामासंदर्भात मदत केलेली आहे। मी कधीही भेदभाव असा केलेला नाही, शेवटी राज्य म्हणून विचार करावा लागतो। आणि निर्णय घेत असताना सर्व आमदारांना मग सर्वांना सर्वांना निधी मी दिलेला आहे, मला मुद्दाम सांगा। सर एनडीए में सीट शेअरिंग को लेकर जो देरी हो रही है उसको लेकर भी कोई नाराजगी है? क्योंकि कई सारे पार्टी नेता नाराज है इस बात से। एक मिनट सर बोलो। हाँ सर एक मिनट, सीट शेयरिंग के बारे में जितनी रफ्तार होनी चाहिए शायद रफ्तार से काम नहीं हो रहा है।
कि मुझे भी महसूस हो रहा है और इसीलिए निश्चित तौर पर मेरा मेरे को अभी बोलने कोई अधिकार नहीं है, उनका काम है कोई वो जल्दी तेजी से होता था तो फायदा निश्चित एम बी हो सकता था। अरे टिकले ना देखिए कांग्रेस पार्टी में सर नाना पटोले जे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी अशी भूमिका मांडली की अशोक चव्हाणांना पक्षाने खूप दिलं पण अखेर कुठल्या दबावपोटी त्यांनी निर्णय दिला हे मला माहिती नाही। अशोक चव्हाणांना पक्षाला खूप दिलं हे निश्चित बरोबर आहे आणि अशोक चव्हाणांनी सुद्धा पक्षाकरता खूप केलं हे दोन्ही गोष्टी आहेत, दोन्ही गोष्टी बरोबरही आहेत। त्यामुळे अशोक चव्हाण हे जिथे राहिले ते प्रामाणिकपणे राहिले हे मला मुद्दाम सांगितलं पाहिजे। पक्षाने मला मोठं केलं, मी सुद्धा पक्षाकरता काही कधी कमी केलं नाही मला मुद्दाम सांगितलं। सर मराठवाडा के आप सबसे बड़े नेता है, आपके जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा, आपको लगता है कि कई और भी नेता आपके साथ आएंगे? मैं किसी भी नेता से मैंने बात नहीं की है, मैं किसी को नेता से बात करने में मेरे को दिलचस्पी इसलिए नहीं कि हर आदमी का एक इंडिविजुअल फैसला होता है, मैं कोई उनके फैसले से मेरे को कोई ये मेरी कोई इसमें ये नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज मैंने सही बोला, मैंने किसी से भी आज बात नहीं की। इतने सारे नेतागण हैं जो मेरे नजदीक संबंध है, ऑब्वियसली मेरे से मेरे चाहते हैं, उनका फोन आए थे बट आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द मोमेंट। आज जो फैसला हो चुका था उसमें इतर काही कांग्रेस से आमदार देखील जातील अशी जी चर्चा क्या मोदी जी के कामकाज को लेकर आगे क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में बताइए। मोदी जी के कार्यकाल में आप किसे के साथ, मोदी जी के परफॉर्मेंस को आप किसे के साथ? व्हाट हैज बीन द रीजन टू लीव द पार्टी सर? कांग्रेस पार्टी हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू लीक्विड द कांग्रेस पार्टी, वॉट बेसिकली लेट टू दिस काइंड ऑफ इतना मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ और मुझे कोई टिप्पणी नहीं। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं और मेरे से ज्यादा फर्क पड़ता है ऐसे मैं नहीं मानता। सर राज्यसभा की क्या है, राज्यसभा को लेकर कोई आश्वासन है? सर आप सवाल डाल रहे हैं, व्हाट इज पास्ट सो आई डोंट नो द डिफरेंस। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्यसभा सीट का आपको कोई आश्वासन दिया गया क्या बीजेपी से? मैंने उनसे अभी तक इस सर जान दो भाई, ऐसा अरे कुरेट का बर्ड करा
हमारे साथ बैठेंगे यार आनंद पूरे जीते बस तुम्हें बस सर हिंदी सर।